हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीप्ति कश्यप है। मैं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बीकानेर में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग विभाग में वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग ट्रेडिशनल इंडियन एम्ब्रॉयडरी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चिकनकारी, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ की मशहूर कशीदाकारी है, ये इंडियन ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है जिसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। चिकनकारी देखा जाए तो ये एक टर्किश जो वर्ड है उससे डेरिवेटेड, यानी उससे लिया गया शब्द है। चिक का अर्थ होता है परफोरेशन। चिकनकारी सफेद वस्त्र पर सफेद रंग के सूती धागों से मलमल के कपड़े पर की जाती थी, जिसका मेन उद्देश्य गर्मी के समय वस्त्रों पर कढ़ाई करके उनको एक कह सकते हैं कि कंफर्ट प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। चिकनकारी जो है वो लखनऊ जैसे कि अपने शहर के एक उसकी खास पहचान है कि वहां पर नवाबों का शहर है, तो दिल्ली केसी या नाजुकता उस शहर की खास पहचान है। तो चिकनकारी भी वहीं का एक वस्त्र है जो अपनी नजाकतता को लिए हुए है, और ये बहुत ही खूबसूरत कशीदाकारी है, देखने में और पहनने में बहुत सुंदर लगती है। कशीदाकारी चिकनकारी जो है वो जिसमें कि 5 प्रकार की स्टिचेस जो है वो मुख्य रूप से काम में ली जाती हैं, और उसके बाद तो 32, 36, 40 अन्य कितनी प्रकार की स्टिचेस जो है वो उनके द्वारा तैयार की जाती हैं। आइए हम चिकनकारी के बारे में आज जानते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं चिकनकारी का अर्थ क्या होता है। चिकनकारी एक भारतीय परंपरागत कढ़ाई है जो कि लखनऊ में के नाम लखनऊ की एक अंदाज के रूप में जानी जाती है, और इसका अर्थ होता है कशीदा। ये अगर हम इसको ऐतिहासिक रूप से जाने तो ये पर्शियन क्राफ्ट है जो कि शाहजहां के दरबार में राजा जहांगीर के दरबार में पर्शियन लोगों के द्वारा लाया गया था। और इस एम्ब्रॉयडरी की विशेषता यह है कि ये बहुत ही नाजुक, यदि मलमल के कपड़े पर व्हाइट कलर की कॉटन के धागे से की जाती थी, लेकिन आजकल जो है विभिन्न प्रकार के कपड़ों पर जैसे कि सिल्क, मसलिन, शिफॉन, ऑर्गेंजा, ऑर्गेंडी आदि कपड़ों पर की जाती है। अगर हम इसको आज की वर्तमान समय से अगर तुलना करें तो लोगों की रुचि के अनुसार विभिन्न रंग के धागों से भी विभिन्न प्रकार के कपड़ों पर की जाती है। इस इंडस्ट्री का नाम भी जो है वो लखनवी चिकन के नाम से भी जाना जाता है। चिकनकारी जो है वो व्हाइट कॉटन के कलर के धागे से व्हाइट कलर के मसलिन कपड़े पर की जाती है, और अगर हमें मलमल का कपड़ा नहीं मिलता है तो हम अन्य प्रकार के जैसे ऑर्गेंजा, शिफॉन, क्रेप, सिल्क आदि कपड़ों पर भी उसके कॉन्ट्रास्ट कलर के धागे से भी चिकनकारी कर सकते हैं। चिकनकारी के लिए जो है उत्तर प्रदेश का लखनऊ सेंटर है चिकनकारी का, और जहाँ पर कि बहुत सारे कारीगर हैं, जहाँ पर विशेषकर महिलाएं जो है इस कार्य को बहुत ही रुचि से करती हैं, और एक बहुत बड़ी कह सकते हैं इंडस्ट्री के रूप में वहां पर ये स्थापित है, और बहुत सारा जो है ये क्राफ्ट जो है वो एक्सपोर्ट होता है। चिकनकारी के विभिन्न प्रकार होते हैं जो विशेषकर स्टिचेस के आधार पर जाना जाता है, जैसे टेकची। टेकची एक डार्निंग और रनिंग स्टिच होती है जिसे कि टेकची के नाम से जाना जाता है, जो कि आउटलाइन के रूप में जो है काम में ली जाती है। बखिया ये हमारा डबल बैक स्टिच होता है जहाँ पर ये काम में लिया जाता है, और ये हमेशा ज्यादा करके या कह सकते हैं कि हमेशा ही जो है कपड़े के उल्टी दिशा पे का बनाया जाता है, और डिजाइन जो है वो फ्रंट साइड पर आता है, यानी कि हेरिंग बोन जो है कपड़े के रॉन्ग साइड पे की जाती है और राइट साइड पर जो है उसका शेडो आता है। उसके बाद आता है होल, ये एक हमारा आईलेट स्टिच होती है जो कि बहुत ही फाइन होती है, हमारे जो एम्ब्रॉयडरी के 6 स्ट्रैंड्स होते हैं उनसे एक ही मतलब छेद में जो है निकाल करके बार बार जो है वो कढ़ाई की जाती है। yes. जंजीर, ये क्या कहते हैं, राइट साइड पर एक ही
धागे से की जाती है। ये फ्लावर और पेटल के आउटलाइन बनाने के लिए काम में लेते हैं। रहित ये दोहरा बक्सिया कहलाता है जो राइट साइड पर किया जाता है। बनारसी ये एक प्रकार का ट्विस्टेड स्टिच होती है जिसमें की 6 स्ट्रैंड लेकर के धागे के और राइट साइड पर कपड़े के राइट साइड पर मूलों पर की जाती है। चिकनकारी का नेक्स्ट प्रकार है खटाऊ। ये रेहिक की तरह ही होता है और ये एप्लीक डिजाइंस को फिनिश करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद आता है फंदा। ये बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है चिकनकारी में और मुरी और फंदा चिकनकारी के बहुत ही जाने माने स्टिचेस हैं। लेकिन इनमें एक अंतर होता है, मुरी जो है वो राइस की शेप के लिए भी होती है जबकि फंदा जो है मिलेट शेप में होता है। जाली जो कि इसका सबसे कह सकते हैं चिकनकारी का सबसे जाना पहचाना डिजाइन होता है जिसमें कि एक ही होल में से है जो धागे को बार बार निकाल करके बनाया जाता है। चिकनकारी के अन्य प्रकार और है तुरपाई और दरजदारी और इसके अलावा भी बहुत सारे चिकनकारी के स्टिचेस हैं जो कह सकते हैं कि इन्हीं फंदा या बखिया या इन्हीं सब टाकों के डेरिवेटिव्स हैं जो कि 32 प्रकार 36 प्रकार और 40 प्रकार के हैं। चिकनकारी के कुछ नमूने हैं जो आपको अभी और स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। चिकनकारी का ये एक प्रकार है जो कि आप देख रहे होंगे कि इसमें गोटा किनारी का भी यूज किया गया है। तो ये लेटेस्ट मतलब प्रकार है चिकनकारी का जहाँ पर फंदा जाली और तेची और बखिया के साथ साथ जो है वो गोटे का भी इस्तेमाल किया गया है। वैसे तो चिकनकारी का जो है मुख्य रूप से व्हाइट मलबल के कपड़े पर व्हाइट कलर की कॉटन धागे से भी की जाती थी लेकिन वर्तमान समय में लोगों की पसंद के अनुसार ये रंगीन कपड़ों पर भी रंगीन धागों से या उसके कॉन्ट्रास्ट कलर के धागों से भी की जाती है। चिकनकारी का ये एक कह सकते हैं कि मुख्य डिजाइन है जाली का जिसमें कि आईलेट स्टिच और जाली का उपयोग किया गया है और यही इसकी विशेषता है चिकनकारी की कि इस तरह से वो जैसे क्योंकि ये एक टर्किश लफ्ज है जो कि चिक से आया है जिसका परफोरेशन अर्थ होता है यानी जाली क्योंकि हवा के आवागमन को गर्मी के अंदर कंफर्ट प्रदान करता है तो जाली जो है ये इसका इस प्रकार का पैटर्न है। आज हमने जाना कि चिकनकारी कहाँ की एम्ब्रॉयडरी है, किस प्रदेश की है और इस ये कौन कौन से कपड़े पर तैयार की जाती है, कौन कौन से स्टिचेस हम इसमें काम में लेते हैं, कितने प्रकार की होती है और इसके नमूने किस तरह के होते हैं। हमने आज इस सेशन में जाना और इसकी कह सकते हैं इसकी मूल भावना को भी समझा कि चिकनकारी जो है वो चिक शब्द कहाँ से आया और इसकी गुणवत्ता और क्वालिटी आज भी उसी तरह से बरकरार है जैसे नवाबों के समय थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।